हाँ भाई एक बार सुन लो, अब ठीक है नेट, हाँ नेट प्रॉब्लम आ गई थी भाई, दोबारा लाइव है। तो साथियों मेरे साथ जो मैं बताऊंगा आज अमजय सिंह से दो तीन मुद्दों को लेके पूरी टीम 40 आदमी पदाधिकारी जोन पर बारी बिलने आए थे सिरसा निवास और बुलावे पर आए थे। किसानों का भी मुद्दा रखना था भाई, किसान प्रस्थान करेंगे, सांगवान साहब का भी सुरमवीर ने भी रिजाइन करा, वो राजदीप को इनको सबको कहो ये रिजाइन करें, स्पष्ट बात है। दादा जा रहे था आज दिल्ली, मैंने आया लोगों भाई साल की बात करा, दादा ठीक है जाए तो नहीं बोलो बिल्कुल सच्चाई, तो वाया भी रखा है हम, लेकिन वो बात रखने को दी उससे पहले ही हमारे को अजय सिंह चौटाला ने कोई नहीं सुनी। और वो जो है ना, वो जो नरेश द्वारका एंड पार्टी और लिताणी जी राष्ट्रीय अपने संगठन के वो हैं, क्या बोलते हैं सचिव, वो हमारे हलके के राष्ट्रीय तो कहें बारडा के कह सकते हो आप उसको, बारडा में रहते हैं हमेशा, और वो उन्होंने पहले ही उनको बुला लिया, आगाह कर दिया, वो भी आ बैठे और उनको भी घुसा दिया मीटिंग में, जबकि हमारी कमेटी को मिलना था 22 तारीख की समीक्षा बैठक के, जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव 3 पारित करे। नंबर 1 प्रस्ताव दुष्यंत चौटाला का आभार, 75% युवाओं को रोजगार दिया, 8% उनको BCA को दिया और महिलाओं को 50% पंचायतों, एक तो यह आभार का प्रस्ताव किया। दूसरा किया कि भाई बारडा में कार्यालय हो, भाई दूर पड़ता है, बड़ा क्षेत्र है। और तीसरा भाई एक कार्यालय जिला का तो दादरी और एक बारडा में भी ऑफिस हो गया थी दादा, सबकी मांग थी, 400 कार्यकर्ता थे। और समीक्षा बैठक मैंने बुलाई, मैंने इसलिए बुलाई लोक कार्यकर्ता रोज कहते मैडम आती नहीं बारडा में, आप आते हो उस दिन मैडम आती है और उस दिन सब चले जाते हो, मुलाकात नहीं होती, बात नहीं होती, आप हल्के की मीटिंग बुलाओ, बार बार कह रहे थे। तो मैंने मीटिंग बुलानी थी, एक साल जब राज को अपने संगठन की सरकार है इसकी गठबंधन की, उसको एक साल पूरा हुआ, मेरी मजबूरी हुई तो मैं नहीं बुला पाया, मैंने 22 को मीटिंग बुलाई समीक्षा बैठक, और उसके अंदर बात रखी सब कार्यकर्ताओं की, अलग अलग वीडियो हैं वो भी हम एक एक करके, और वो बताएंगे सबको भाई कि उन्होंने क्या क्या पीड़ाएं रखी, क्या क्या समस्याएं थी। और एक ही बात आई, सूरज भाई निवाल नहीं सुनता, वो पीए आज मैडम को कहा, मैडम ने कमिटमेंट किया मेरे से, आप हल्का का देखो मैं बदल दूंगी, और मैडम ने कहा कि 100 सूरज फिरते हैं, 100 सूरज आपकी बात हल्का देखी बन, हमने करोड़ों करोड़ों लगा दिए छेड़ काटबीन के लिए और सब कुछ तबाह कर दिया घर का, मैं जो हर तरह से 14 मेडिकल कैंप, सबसे ज्यादा चंदा, सबसे ज्यादा विज्ञापन अखबारों में टीवी पे, हमने सब लुटा दिया इनके लिए। और टिकट के लिए बात बताऊं, नैना सिंह जब आई तो दुष्यंत ने बुलाया, अगर भाई त्याग करना पड़ेगा, अजय सिंह ने हाँ भरी, मेरी वाइफ की बीनू सांगवान मदोल्ला की, और जिस दिन 23 को हम आए ना, 24 अगस्त को प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी यहाँ इसमें हिसार में, उस दिन मैं साथ ही आया था अजय सिंह के सिरसा से यहाँ, और उस दिन हाँ भरी, चलो कोई नहीं, बोला जी मैं जेल में हूँ सारा, मम्मी का वहां से लूज कर रही है दबवाणी से, अरे भाई बोला डॉक्टर साहब आप कहो तो नरेश जी आप दो, तीसरा का कोई जिक्र नहीं। और जो है उसको जो है कहा अगर भाई आप मैडम को लड़ा दें आप कहो तो, मैंने कहा अजय सिंह का मैं धर्म भाई मान्या हुआ है और मैंने उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कसम खाई हुई है, 4 गुना मैंने काम किया है, हमेशा सदस्यता अभियान में हर मुद्दे पे हर जगह लाइव मेरी आईडी पेज खोल के देखना और डालूंगा, अब देखना मैंने क्या क्या काम किया है, और सबने देखा भी होगा, आप गवाह हो, सारा हरियाणा जो आईटी सेल जो चलाते हैं सभी भिन्न पार्टियों के, सारे शेयर करो इसको, बताओ भाई इनकी असलियत है क्या। तो इसलिए जो है वो वहां से उनको हमारी टिकट के मैडम को प्रस्ताव करवाया, दूसरे ने कह के मेरे से प्रस्ताव करके भेजो डॉक्टर साहब, दबाव दे के अगर भाई यूँ कह दो माका जी ठीक है, मैं तो दबाव की कोई बात आप कहोगे तो हम करेंगे, दबाव वाली ये बात की प्रेशर के भाई इनको ये करो, तो वो जो है प्रस्ताव करवाया कि हम जाते हैं अजय की कर्म भूमि पे नैना जी को चुनाव, तो वो भी लड़वा दी, जता भी दी सब कार्यकर्ताओं ने इस बात से, दुष्यंत की मम्मी है और अजय सिंह की धर्मपत्नी है तो अच्छे काम होंगे, और ये काम हो रहे हैं, हर कार्यकर्ता 4-4, 6-6 बार पर्चियां दे दी और कोई किसी की सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। और वो शिकायत करी, वो मीटिंग आई, मीटिंग की बात रखनी थी आगे भाई, ये कंप्लेंट आई, प्रस्ताव देने थे सूरज भाई निवाल के, हल्के का लगाओ 20,000 रुपये, 25,000 रुपये एक पीए को, बारडागा युवा साथी को, शिक्षित को, उसको मिलेंगे, उसको लगाओ, किसानों का साथ देने के लिए चर्चा करनी थी और भाई ये 2-4 बात करनी थी, उससे पहले ही इंडिविजुअल 2-4 साथियों ने विचार रखे और अजय सिंह जो है 23वां आ गया, बोले तूने वो समीक्षा बैठक के बाद वो क्यों लाइव करी, मैं जानता हूँ तेरी लाइव क्यों की, मैंने कहा क्या गलत की भाई साहब, मैंने तो ये कहा कि अजय सिंह और दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और नैना सिंह चौटाला सुनेंगी, हम आपकी बात रखेंगे वहाँ, वो क्या गलत कर दिया मैंने, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को मैंने कहा जरूर सुनेंगे, निश्चित रहो और हर कार्यकर्ता की सुनवाई होगी, अलकाध्यक्ष में मीटिंग बुला सकता हूँ, और मैंने कहा और मैंने सबने बिना प्रेशर के और साइन है
साइन है 300 कार्यकर्ता होंगे तो रजिस्टर्ड साइन है उस दिन मीटिंग के, और वो सारा का सारा हमने वहाँ किया। उसके बाद जो है आज बुला लिए, कल लिताणी का फोन गया 10 बजे आओ, बहुत ही शादी है 2 बजे तक, 2 बजे आगे। उससे पहले नरेश द्वारका एंड टीम यहाँ बैठी थी, वो मांडी विकास नंबरदार और कौन था भाई और भी थे उनके टीम के, तो वो है जी विजय गोपी, एक वो विजय गोपी, सारे भाई जा रहे, वो टीम पूछ भी वहाँ। तो कहने का मतलब है उन्होंने फिर भाई सारा उन्हें ना जाओ भाई, एक बार थोड़ा हाई है ना, थोड़ा हाई यहाँ जाओ, आप थोड़ा हाई यूँ सोच रहे हो, बाद में कर लें डिस्कस दादा, आ जा दो मिनट और करेंगे, सबको सुनेंगे कर ले। और भाई सुनो बात, किसी भी कार्यकर्ता की, तो पहले मैं कंक्लूड करता हूँ, बाद में फिर लाइव आऊँगा आराम से वाईफाई बजा के, फिर करेंगे खुलासा रोज, एक एपिसोड निकालेंगे, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 मुझे निकालूंगा सारी प्लस ये करने पर। तो इस्तीफा देता हूँ भाई, जननायक जनता पार्टी के हल्का प्रधान जो कार्यकारी हल्का अध्यक्ष बिजोल की हुए, कार्यकारी मैं ही हूँ अभी, और कार्यकारी हल्का अध्यक्ष मीटिंग बुला सकता है, इसकी होती वर्दी अब मीटिंग नहीं बुला सकता, बताओ हल्का अध्यक्ष उसको बाकायदा बताया, और उसको जो है ना सारे फेसबुक पे अखबारों में सब सुना दी, और आओ भाई मीटिंग में हल्का अध्यक्ष, और उसके खिलाफ जो है ना सारे कार्यकर्ता रोष है, और भाई यहाँ कोई काम नहीं हो रही, तो उसके लिए जो है आवाज आएंगे तो हमारे को जलील करके मेरे को, और भाई बिल्कुल धक्का मार गया जैसे नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, इतना लाइव क्यों करी, गेट आउट फ्रॉम एयर ये कहा है भाई। तो भाई हम तो गेट आउट होके आ गया, अरीब जो साथी से वह अपनी बात खूब सोच लियो, और भाई आगे भी हम साथियों के लिए बार डाल के कोई पार्टी वार्टी नहीं, राजनीति देख लिया हमने, पार्टी वार्टी अपना सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, बार डाल के अंदर एक एक साथी की कोई दिक्कत हो भाई, सुबह सुन लो बात, सुबह 9 बजे से लेके और 11 बजे तक डॉक्टर विजय सरवण का दरबार खुलता रहेगा, आना मेरे पास, हम करवाएंगे आपके अफसरों से मिलकर हाथ जोड़ के, अरे इनेलो में काम ज्यादा हो जाया करते, इनेलो में हमारे जो सिस्टम है वो काम होया करते, हमारे हम जाया करते, तो लिहाज तो कोई घुसता ही नहीं। तो भाई आओ, आपका स्वागत है विजय सरवण ने जेजेपी के न केवल हल्का अध्यक्ष से पद से बल्कि प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है, आज हमारा पूरा परिवार और पूरा जो 50 साल से मेरे पिता दादार चौधरी द्वारी लाल मस्त टेकरा मारी पूछ लो गुआंड जानता है, आज भी दोरंगित और पगड़ी बांध के और हमेशा रात दिन एक करके तन मन धन समर्पित हो गए, नन्ना को विधायक बनाया बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े आशा के साथ, बड़े चाव के साथ, दुष्यंत चौटाला की मम्मी है इनके पास कुछ आएगा तो ये विकास करेगी, ठीक है मैडम जी, और मैडम जी ने कमिटमेंट किया, फोन नहीं उठाती मैडम जी, मैंने फोन किए नैना जी ने फोन नहीं उठाए, फिर बात की लिताणी से और निशान सिंह से सबसे, और अरुण धनखड़ है उनके रिश्ते उनसे भी बात की, तो सबसे मैंने बात की है एक एक, मैं हर आदमी को, और 1 साल इंतजार किया है जहां सुधर जाए, 4 बार पहले दे चुका, कितनी बार है 4 बार, डेट बता दूंगा, व्हाट्सएप सारा सेव, सारा सब कुछ है मेरे पास, कोई गिनती नहीं है किसी कार्यकर्ता की, पार्टी के समर्पित साथी कार्यकर्ता को यहाँ कोई ग्राउंड पर बड़द गजू बाओ, अरे भाई ठंड मारो कुछ नहीं, यहाँ दौड़ मैं बता दूं, अपना नो कह ना वो कहता ना अपना क्या नाम है गौतम दादा, अरे वो कह दिया भाई बोला जो है ना नो महकमे अपना, अरे महकमे के काम नहीं हो रही है, तो भाई सौदा सादा तो जनता बता देगी, अरे भाई किसान का कल है, कल हम जो है ना वहां भी चलेंगे, दिल्ली बॉर्डर पर भी जाएंगे, और किसानों का साथ ये दादा हमारा सुरेंद्र कुब्जा नगर रहा भाई, सारे का वाज है भाई, धक्के मार के ना मारे होते फिर बता दो भाई, भैया सच्चाई तो कहने मुझे मजाज के दीन मान वाले जो तम तो बेसक पार्टी भरे जियो, मैं तमने नहीं कहूँ भाई, तमने न्यू लागे ने नौकरी मिल जाएगी न्यू जो आ जाएगा बेसक, लेकिन सच्चाई तो बताए तो मारे धक्का, क्या बोला घर से गेट आउट, ये इन योद्धाओं को घर से गेट आउट नहीं किया, आप सत्ता से गेट आउट हो जाएंगे, जनता जनार्दन अजय भाई साहब आपने पहचाने नहीं आदमी, तिकड़ी चकड़ी चमचागिरी उनको आपने तवज्जो दी, कार्यकर्ताओं को, अरे हमारे जैसे योद्धाओं को रात दिन, अरे हमारे 11 गांव मेरा जोन में नहीं आई बागड़ी हर कहूँ दिलबाग बागड़ी बता भाई तेरा गांव में को था ना आई, तो मैं क्या करूँ, मैं तो 20 बार कही उड़ा ले जहाँ से तेरा जोन में आई दादा, मैं तो अरे आई हो तो पूछ लो, एक एक घर में 40-40 हजार के चेक है, एक एक घर में धनाश्री में, और इसके सुनो और बताऊं नरेश द्वारका जी जिला अध्यक्ष जो बने बैठे हैं आज बना रखे हैं बहुत विश्वस्त है, उनासी नहीं है कोई दिक्कत नहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं, उस आदमी ने
उसके आदमियों ने मेरे ऊपर भरी मीटिंग में गाड़ी गलौज की, अयोध्या हल्का अध्यक्ष मीटिंग अनुशासन के मैं करूंगा खुलासे, गाड़ी दी ईंट वाले दौड़ा वो राम फुलकाट में युवा प्रधान, हमने उसको मीटिंग में उसने रिलाइज किया, हमने उसको थूक दिया। ये और दिन कादमा मैडम आई, संस्कृति स्कूल का उद्घाटन था, उन्होंने उसका साथ रहा गाड़ी परमानेंट भूख मांडी। हमारे को तो भाई हमेशा जलील करे, लेकिन हम भूखते रहे क्योंकि अजय से और दूसरे से विश्वास था। आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के आज वो कसम तोड़ने पर जो मैंने खाई थी, मैं परमात्मा से एक क्षमा चाहता हूँ, मैंने एक कसम खाई थी, आज वो कसम मतलब इमोशनल होके लगा लो, चाहे इतना दुखी हो गया मैं, वो कसम तोड़ रहा हूँ। वो कसम क्या थी, अजय सिंह जब तक जेल में है, नैना जी को भी मैंने कहा कि जब तक भाई साहब जेल में है बाद में देख लेंगे है, और कब है कि योला प्रचार कर दिया, बोले सूरज भाई निवाल, अरे सूरज भाई निवाल नहीं कहा जब तक ने मैंने दो, क्या मैं हल्का देख सू बताइयो भाई, मैंने एक चीज मांग ली, कै नौकरी लग गया, अरे भाई जो है ना कै नौकरी लगी वो बता दे भाई, 15 ला दिए, कौन कौन लाए कोई नहीं, बेरा दो आदमिया बेरा बताओ नहीं, कितना ही बदली करा दी, कितने हूँ से बताओ नहीं, गलत मैंने कहा भाई मैं हल्का अध्यक्ष हूँ और मेरे को फीड करनी है, तो वो सूरज भाई निवाल अरे वो किट्टी ये नुको है, ये तो हल्का अध्यक्ष हटा दिए और राज्य सर पर धोजू बना दिए, अरे यो हल्का अध्यक्ष मन बना होगा सूरज भाई निवाल ठीठ गाँव का विजय सांगवण मंडोला, अरे ऐसे हल्का अध्यक्ष को हम ठक्कर मारते हैं, हम अपने काम के बलबूते हुए जनता जनार्दन है ना उसके बलबूते हुए, और सेवा कर दी भाई, मांगत थी अजय सिंह चौटाला भाई साहब, दुष्यंत लाडले अब भी गुजे लाडले और नैना सिंह जी आपकी मैंने खूब मेरे सामर्थ्य सेवा कर दी, तारा तो सेवा और ज्यादा करवाई नहीं गई, तो इसलिए राम राम। अरे भाई लाई होंगे आराम से इतनी नाम से कई एपिसोड निकालूंगा इनके, एक एक एपिसोड अगर भाई मैं क्या चीज हूँ और मैंने क्या किया प्रूफ के समेत, तो भाई कई आदमी न्यूज सोचते चुप हो जा, हमारे साथ आए कुछ पांच चार साथी रह गए, कोई बात नहीं, अरण माता भी भाई किसान फायदे लागत बेसक जाओ, मैं तो भाई किसान न्यू उम्मीद रह रही हो ना उड़ा में लगी, तो भाई यो उदाहरण एक एक रुपया कित लाया कित दिया, कौन से चुनाव में कितने दिए, कौन सी रैली में देवीलाल जयंती कहाँ कहाँ कितना, और क्या बोला एक दिन बोला नरेश द्वार का भाई क्या बोला भाई तू तो रेडियो चला ले और लाइव आ जा दुष्यंत बैठा हम सारे 18 जनपद पर, तो मगर रेडियो वो चलाओगे जिसका काफिला चल लेगा, चार आदमी एक गाड़ी में जाएगा तो भाई नरेश द्वारा आदरणीय जिला अध्यक्ष लाइव कौन चल जा, बेइज्जती हो जाएगी, जमीन खिसक जाएगी, या तो 100-150 गाड़ियां क्या नहीं करे बताओ, 300 के 3-3 जिलों को खाना वहां इशार में करा वहां दिया क्या नहीं करे, सब लाइव है भाई, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा बाद में एपिसोड वाइज बताऊंगा, तो भाई दादा अभी कैसे सारा राम राम सारा साथियों, हर भाई एक और है यानी शेयर करो इस बात को, आज हम कह रहे शेयर ठोक दो दुनिया भर के शेयर करो, अब मेरा बात कहीं का वो सुधा केस राम राम, फिर मिलांगे।